अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। अच्छा बेटा, बाकी सारी क्लास कहाँ पे है? मैम बता नहीं। चले 5 मिनट और वेट कर लेते हैं। हमारी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो होगी वो लाइव ही हुआ करेगी। स्ट्रेंथ को हम मैनेज कर लेंगे। जो आपकी कल की क्लास है वो कैंपस में ही होगी। मैम वो बेटर है जी, आपकी जो अभी इसके बाद जितने भी लेक्चर्स होंगे वो कैंपस में ही होंगे। ये हमारा ऑनलाइन आज लास्ट लेक्चर होगा। इसकी भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट टाइम से जितने भी आपके इश्यूज होंगे वो भी हम लाइव क्लास में ही सॉल्व करेंगे और हमारे लेक्चर्स भी लाइव हुआ करेंगे। अभी मैं आपके लिए एक असाइनमेंट ऐड करती हूँ। जी ग्रुप असाइनमेंट है प्रोजेक्ट की? नहीं नहीं बेटा, क्लास की असाइनमेंट है। अभी मैं आपको ऐड करके फिर भी वो करवा देती हूँ। अच्छा, आपको अभी व्यू हो रहा है असाइनमेंट? यस मैम। बेटा ये 12th वीक के अंदर आपकी असाइनमेंट है, स्पेसिफाई द फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर क्रिटिकल सिस्टम। आपके जो लेक्चर्स लास्ट आपने सुने हैं उनमें आपने फंक्शनल स्पेसिफिकेशन जो है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का पार्ट वो हम पढ़ रहे हैं। स्पेसिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि आपने रिक्वायरमेंट को राइट डाउन कर लेना है। जैसे जो रिक्वायरमेंट हमने पहले एक्सट्रैक्ट किए हैं, हमने इलिसिट किए हैं, इंसेप्शन की, फिर इलिसिटेशन की किसी तकनीक के थ्रू, फिर उसमें से प्रॉब्लम्स फाइंड आउट की, फिर हमने उनको निगोशिएट किया। निगोशिएट करने के बाद उनमें से प्रायोरिटी असाइन करके कंफ्लिक्ट रिजॉल्व करके देन हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। स्पेसिफाई का मतलब क्या है कि हम राइट डाउन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सम टेम्पलेट। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो
तो आपने उस कंपनी का स्पेसिफिक टेम्पलेट फॉलो करना होता है जो वो यूज कर रहे होंगे. अगर एज ए स्टूडेंट हम IEEE को स्टैंडर्ड कंसिडर करते हैं और हम उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए कर रहे होते हैं, जब स्पेसिफाई करना है हमने फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को, तो इसका मतलब है कि हमने राइट डाउन करना है. और क्रिटिकल सिस्टम हमने पढ़ा कि क्रिटिकल सिस्टम्स कौन से होते हैं. अब जहाँ पे ह्यूमन लाइफ से इन्वॉल्व सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम होते हैं, कुछ जहाँ पे जैसे बिलियन डॉलर्स जिनमें खर्च हुए होते हैं, बहुत बड़े बड़े सिस्टम जो होते हैं, जैसे आपका नासा का कोई सिस्टम है, आपका कोई जिसमें ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व है, आपका कैंसर के ट्रीटमेंट का कोई सिस्टम है, कोई सर्जरी में यूज होने वाला सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है, वो सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो उनके लिए, हमारे लिए वहाँ पे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. एक छोटी सी गलती की वजह से जहाँ पे बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है या फिर किसी ह्यूमन लाइफ का नुकसान हो सकता है, तो उस वक्त हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई वेबसाइट है उसके अंदर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट नहीं भी फुलफिल हो रही. एक अभी ये वेबसाइट थी, इसमें मैंने आपको LMS सिस्टम था, आपको असाइनमेंट दिखानी थी, तो ये इसने लोड होते होते यूजुअल टाइम से ज्यादा लगा दिया, तो इतना कोई इशू नहीं हुआ. अगर इसी तरह कोई आप ट्रेड सर्जरी कर रहे हो, सर्जरी के अंदर आपने कोई चीज यूज करनी थी, कोई मेडिसिन यूज करनी थी, और वो मेडिसिन जो सॉफ्टवेयर के थ्रू आप वो ट्रीटमेंट कर रहे थे, और वो ट्रीटमेंट में वो सॉफ्टवेयर ने स्टार्ट होते होते टाइम लगा दिया ड्यूरिंग सर्जरी, आप कुछ किसी स्टेज पे थे, अगर वो वहां पे सेकेंड्स का नुकसान जो होता है ना, अगर डिले आ गया है तो वो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है. आपने ये चीजें पढ़ ली हैं कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट को कैसे स्पेसिफाई किया जाता है, नॉन फंक्शनल को कैसे किया जाता है, और क्रिटिकल सिस्टम क्या होते हैं. अब आपने क्या करना है असाइनमेंट में, आपने एक क्रिटिकल सिस्टम लेना है, अपनी मर्जी का कोई भी क्रिटिकल सिस्टम ले सकते हैं. आप लेक्चर के अंदर से पढ़ें, इसके अलावा आप वो देखें, गूगल पे सर्च करें क्रिटिकल सिस्टम के बारे में. आपको कोई चीज नहीं समझ आ रही तो फिर आपने क्या करना है, आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स उसकी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स राइट डाउन करनी है, और ये आपकी क्लास असाइनमेंट है. उसके अलावा जो आपका टर्म प्रोजेक्ट चल रहा है, जो आपकी SRS आपने बनानी है, उसके अलावा ये क्लास असाइनमेंट है. और ये हमारी अगली जो है क्लास वो 1 जून होगी, 1 जून शाम 12 बजे तक इसकी डेडलाइन है. मैम हम टॉपिक प्रोजेक्ट वाला टॉपिक पे ये असाइनमेंट नहीं कर सकते? बेटा प्रोजेक्ट वाले टॉपिक के पे क्यों नहीं कर सकते, मैं अगर एथिकली प्रोजेक्ट जो है, एक तो सब लोगों के प्रोजेक्ट क्रिटिकल सिस्टम नहीं होंगे, ठीक, ये हमारी यहाँ पर कुछ निगेट हो गई. और दूसरी बात कि एथिकली प्रोजेक्ट के जो आपने काम किया होगा उसके मार्क्स आपको सेपरेट मिलेंगे. अब एक चीज को हम दो डिफरेंट जगहों पे कभी भी एथिकली एवेल्युएट नहीं कर सकते कि मैं आपको असाइनमेंट के मार्क्स एक अलग चीज होते हैं और प्रोजेक्ट के मार्क्स अलग चीज है, तो मैं दोनों को एक ही चीज की बेस पे दोनों को एवेल्युएट नहीं करती. क्लास असाइनमेंट के मार्क्स आपको सेपरेट मिलेंगे, उसके लिए आपको एफर्ट सेपरेट करनी पड़ेगी, और प्रोजेक्ट के मार्क्स एक अलग चीज है और उसकी एफर्ट आप अलग करोगे. मैम अगर जिसका प्रोजेक्ट क्रिटिकल होगा वो ले सकता है ना फिर अपना टॉपिक? बेटा उस वो आपको दूसरी रीजन भी तो बताई है, फर्स्ट सेकंड वाली बात नहीं आपने सुनी? यस मैम. कि अगर उसकी एवेल्युएशन, उसके मार्क्स, उसका रिवार्ड जो एफर्ट है वो तो आप ले चुके हो, आप एक ही चीज का रिवार्ड दो डिफरेंट जगहों पे लेना चाह रहे हो. यस मैम, चलिए ठीक है मैम. मैम आपने लेक्चर में क्रिटिकल सिस्टम ए रिवर्जिशन एकदम से ये टिकट सिस्टम था हमारा उसकी बताई थी लास्ट लेक्चर में. आपने क्रिटिकल सिस्टम हमें कराया था ए रिजर्वेशन सिस्टम की एग्जांपल दी थी, तो उसको हम पिक कर सकते हैं असाइनमेंट के लिए अपने. बेटा एयर वाला आप कर सकते हो, क्रिटिकल सिस्टम क्या होता है, रिजर्वेशन वाला सिस्टम इतना क्रिटिकल, रिजर्वेशन को आप ले सकते हो. जैसे आप इस तरह से करो कि वो जैसे जहाज के अंदर कोई सॉफ्टवेयर जो है उससे एरोप्लेन ऑपरेट हो रहा है, उसकी एग्जांपल आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्स में भी अक्सर दी जाती है कि वो थोड़ा सा नुकसान से जहाज एकदम क्रैश कर जाता है, तो यहाँ पे बिलियन डॉलर का भी नुकसान हुआ जहाज के बनने में सारा कुछ, और वो कितनी ह्यूमन
लाइफ, 100+ पीपल उसके अंदर बैठे हुए हैं, वो सारों की भी डेथ हो गई। तो यहाँ पे इस जहाज को यूज के वर्किंग में, इस एरोप्लेन की वर्किंग के अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा होगा वो एक क्रिटिकल सिस्टम होगा, और उस सॉफ्टवेयर की जो नॉन फंक्शनल, वहां पे जो क्रिटिकल सिस्टम होते हैं वहां पे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इन सिस्टम की स्पेसिफिकेशन बहुत ध्यान से की जाती है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स को और ज्यादा तवज्जो दिया, हालांकि रिक्वायरमेंट हमारा पूरा कोर्स जो है रिक्वायरमेंट का, हम कह रहे हैं कि इस पे रिक्वायरमेंट के पोर्शन पे हम बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। अगर इस सिस्टम में यहाँ पे इस स्टेज पे कोई एरर रह जाता है तो वो थ्रू आउट आपका सॉफ्टवेयर अनसक्सेसफुल होता है, क्योंकि वो यूजर की नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं होता। लेकिन स्पेसिफिकली क्रिटिकल सिस्टम की रिक्वायरमेंट पे हम बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे होते हैं, इसलिए हम इसको एक सेपरेट असाइनमेंट के तौर पर कर रहे हैं। जी ठीक है मैम। मैम तो मेन हमारी यही है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, ये आपने एक पॉइंट लिखा है द मेन प्रॉब्लम। जी आपने क्रिटिकल सिस्टम कौन सा आपका क्रिटिकल सिस्टम है, जैसे आपने एरो जो वो एरोनॉटिक सिस्टम कौन सा कर रहे हैं आप, वो मेडिकल का कोई सिस्टम कर रहे हैं या फिर किस टाइप का सिस्टम कर रहे हैं, यहाँ पे उसका इंट्रोडक्शन दे देंगे। डोमेन आपकी क्रिटिकल सिस्टम की होगी, सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम है या सिक्योरिटी क्रिटिकल सिस्टम है या इस तरह की डिफरेंट टाइप की, और कौन सी क्रिटिकल सिस्टम की डोमेन कौन सी है, प्रॉब्लम स्पेसिफिक इशू जो होगा, जैसे स्पेसिफिकली क्या मसला है उस क्रिटिकल सिस्टम। आप रिक्वायरमेंट अगर लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी जो सिस्टम है उसके अंदर कोई इशू है। जब हम नया सिस्टम बना रहे हैं तो हम रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग तो तभी कर रहे हैं ना, ऑलरेडी सिस्टम, जैसे ऑलरेडी सिस्टम या तो मैनुअल था और उसको ऑटोमेट किया जा रहा है, या ऑलरेडी सिस्टम के अंदर कोई मसला था और उसको इम्प्रूव करने के लिए हम नया सिस्टम बना रहे हैं, तो उस सिस्टम को के लिए आपने न्यू सिस्टम बनाया, कोई इशू एग्जिस्ट करता था, यहाँ पे वो प्रॉब्लम आपने बतानी है कि ऑलरेडी सिस्टम के अंदर क्या बनाया। फिर आपने अभी स्पेसिफाई करना है उसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को आपको लिखने का तरीका बताया गया है कि कैसे लिखा जाता है, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट लोग डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ना करें। मोस्टली कोशिश की जाती है कि जहाँ पे मैथमेटिकल टर्म्स यूज की जा सके कर लें, ताकि मैथमेटिक उसका सबके इंटरप्रिटेशन सेम होती है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आपने उसकी स्पेसिफाई करनी है ना, और रिक्वायरमेंट को कम्प्लीट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, उनमें कंट्राडिक्शन नहीं होने चाहिए, एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें आप इसमें करोगे। जी ठीक है मैम। जी